गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जीएसटी न्यू रिटर्न के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट और एक न्यू रूल जो कि 20% आईटीसी का मैक्सिमम लिमिट फिक्स करता है। कब आपको 20% तक का आईटीसी मिलेगा, किस सिचुएशन में आपको इनवॉइसेस अपलोड करना है और किस सिचुएशन में सप्लायर अगर इनवॉइस अपलोड नहीं करता है तो उसका क्रेडिट मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी के अंदर 20% का जो क्रेडिट है वो कब किस सिचुएशन में मिलेगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी में मिलेगा सिर्फ 20% का आईटीसी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई टैक्स इन्वॉइस है जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है और वो इन्वॉइसेस अगर आपके ANX 2 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ 20% का आईटीसी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या सिचुएशंस आएंगी, उसके लिए आपको रेफर करना है सेक्शन 43 कैपिटल ए जो कि जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया है। इसका जो हेडिंग है वो है प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का प्रोसेस है ये आपको न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा जब जीएसटी ANX 1 और ANX 2 जो है वो लाइव कर दिया जाएगा पोर्टल पे। अभी इसका ट्रायल वर्जन चल रहा है, इस वजह से ये चीजें अभी आपको समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन ये जो प्रोविजन दिया गया है इसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं वो एक बार हम लोग देखते हैं। इसका जो सबसेक्शन 1 है ये बेसिकली बात करता है कि जो भी इनवॉइसेस अपलोड किए जाएंगे जीएसटी ANX 1 में आपके सप्लायर के थ्रू, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर एज पर रिक्वायरमेंट डिलीट कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 इसका कहता है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 41 और सेक्शन 42 और सेक्शन 43 द प्रोसीजर फॉर अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय द रिसिपिएंट एंड द वेरिफिकेशन देयर ऑफ शैल बी एज सच मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मतलब अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है और उसके वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर होगा न्यू रिटर्न के अंदर पूरी तरीके से चेंज प्रोसेस रहने वाला है। अब इसका सबसेक्शन 3 कहता है द प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बाय द सप्लायर ऑन द कॉमन पोर्टल फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय द रिसिपिएंट Shall be such as may be prescribed। जो भी outward supplies upload करेगा supplier, उसका जो purpose होगा availing input tax credit के लिए, मतलब आपको जो input tax credit मिलेगा, वो आपके supplier के invoices, जो कि ANX 1 के अंदर upload किया गया है, और वो आपके ANX 2 में reflect कर रहा है, तब आपको मिलता है। अब सबसे important जो है, वो है subsection 4। ये बात करता है कि अगर कोई missed invoices है, missed invoices का मतलब ऐसा invoice जो कि आपके ANX 2 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। द प्रोसीजर फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज नॉट फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 3, मतलब जो आउटवर्ड सप्लाईज आपके सबसेक्शन 3 के अंदर सप्लायर ने अपलोड नहीं किया तो उसका क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रोसेस से मिल सकता है। शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड सच प्रोसीजर मे इंक्लूड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विच कैन बी सो अवेल्ड Not exceeding 20% of the input tax credit available। मतलब अगर आपने किसी invoice का credit ले लिया है और वो invoice आपके ANX 2 में reflect नहीं हो रहा तो उसका credit आप ले सकते हैं अपने GST ANX 1 के अंदर missed invoices का option में को use करके, लेकिन उस invoice का जो credit होगा वो maximum आपको मिलेगा 20% तक। अगर आपके पास 100 रुपए का invoice है तो सिर्फ और सिर्फ आप 20 रुपीज का क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे, उससे ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल क्रेडिट रहने वाला है। जब तक T2 पीरियड में आपका वो ANX 2 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा डेटा, तब तक आपको उसका 80% बैलेंस क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। इसके बाद सबसेक्शन 5 ये कहता है द अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन द आउटवर्ड सप्लाईज फॉर विच द डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी डीम्ड टू बी द टैक्स पेएबल By him under the provisions of the act। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि अगर कोई invoice GST ANX 1 के अंदर supplier upload कर देता है और वो अपनी return नहीं भी file करता है तो वो जो liability है वो सिर्फ और सिर्फ supplier की रहने वाली है। तो उसके अंदर ये नहीं होगा कि उसने अगर invoice upload कर दिया है तो उसकी liability जो है वो नहीं बनेगी। एक बार invoice upload हो गया तो आप accept करें या ना करें, liability supplier की fix कर दी जाती है। सबसेक्शन 6 ये कहता है द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ अ सप्लाई शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द टैक्स और टू पे द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड एज द केस मे बी इन रिलेशन टू द आउटवर्ड सप्लाईज फॉर विच द डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड
अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 बट द रिटर्न देयर ऑफ हैज नॉट बीन फर्निश्ड। मतलब अगर आपने कोई इनवॉइस का क्रेडिट क्लेम कर लिया है और वो इनवॉइस का डेटा एएनएक्स 1 के अंदर अपलोड नहीं किया गया और उसका जो टैक्स पेमेंट है वो भी नहीं किया गया है, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो सप्लायर के भी फिक्स की जाएगी, साथ ही साथ रिसिपियंट के भी फिक्स की जाएगी, क्योंकि सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 के अंदर दोनों को लाइबल किया जाएगा और इसके अंदर आपको इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो सप्लायर और रिसिपियंट दोनों को बियर करना होगा। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि न्यू रिटर्न के अंदर जब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका एएनएक्स 2 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो उसका क्रेडिट आपको सिर्फ और सिर्फ 20% मिलेगा, वो भी ऑन द प्रोविजनल बेसिस। प्रोविजनल आईटीसी का क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि जो इनवॉइसेस आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं, जो आपके एएनएक्स 2 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, उसका क्रेडिट आपको क्या मिलेगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि एएनएक्स 2 के अंदर जो हम लोगों को क्रेडिट मिलेगा, अगर हम लोग क्वार्टरली फाइलर हैं तो कैसे होगा, क्योंकि हमारा जो इनवॉइसेस का क्रेडिट है वो तो क्वार्टरली हम लोग क्लेम करेंगे, जबकि टैक्स का पेमेंट जो होना है वो मंथ मंथ बेसिस पे होना है। टैक्स का पेमेंट हर किसी को मंथली करना है। तो यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं मैं कि आप जब टैक्स पेमेंट करेंगे PMT08 का इस्तेमाल करके, तो वहां पर आपको अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी डिक्लेयर करनी है, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहां जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखलाएंगे PMT08 में, वहां पर कोई भी मैचिंग आपको नहीं करना। जो आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल हैं उस इनवॉइस के बेसिस पे आप PMT08 में क्रेडिट क्लेम कर लीजिए, जो टैक्स बनता है जमा कर दीजिए। जब आप अपनी क्वार्टरली मेन रिटर्न फाइल करने बैठेंगे तो आपको इनवॉइसेस सारे मैच करने होंगे, जो इनवॉइसेस आपके एएनएक्स 2 में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका क्रेडिट आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो इनवॉइसेस आपके एएनएक्स 2 में नहीं आया वो आपको सेल्फ डिक्लेयर करना होगा, वो इनवॉइस आपको अपलोड करना होगा और वो जो आपका होगा प्रोविजनल क्रेडिट उसका अमाउंट मैक्सिमम होगा 20%। हो सकता है ये इसको कम करके 20% से भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो फिक्स किया गया है वो किया गया है 20%। लेकिन अगर आप मंथली फाइलर हैं, मतलब आप हर महीने अगर फाइल कर रहे हैं, दैट मींस आपका 20% आपका 5 करोड़ से ऊपर का है टर्नओवर, उस सिचुएशन में क्या होगा, तो आपको मंथली पेमेंट करना है टैक्स का, मंथली रिटर्न फाइल भी करना है, तो आपको साथ के साथ इनवॉइस मैचिंग भी करनी होगी। तो जो आप PMT08 में टैक्स जमा करेंगे उस टैक्स का पेमेंट जो है वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप क्लेम करेंगे वो आपको RET1 ANX2 के अंदर मैच करने के बाद क्लेम करना होगा, और जो बैलेंस बचेगा वो आपका प्रोविजनल क्रेडिट होगा और उसका 20% आप मैक्सिमम जो है वो क्लेम कर पाएंगे डिक्लेयर करने के बाद। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है GST न्यू रिटर्न के अंदर ITC का जो नया कंडीशन डाला गया है 20% का उसके रिलेशन में। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर 20% का जो ITC क्लेम करना है वो किस सिचुएशन में और किन को मिलने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी न्यू रिटर्न GSTR 9 से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड मटेरियल्स परचेज करना है या इनकम टैक्स रिलेटेड मटेरियल्स परचेज करना है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। Thank you and have a nice day.